नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर अपने इस सीरीज़ में एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्लॉट चयन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई है और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट आपने साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट परचेज किया हुआ है और आप उसके अंदर अपना भवन बनाने जा रहे हैं अपना घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने अपने घर में कौन सा हिस्सा ऊंचा रखना और कौन सा हिस्सा नीचा रखना है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो आपको अपने प्लॉट के अंदर थ्री साइड ओपन एरिया रख के एक साइड में अपने अपनी बिल्डिंग बनानी चाहिए आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें आपने साउथ ईस्ट का भाग यानी फ्रंट का भाग ओपन रखना है ऐसे ही बैक साइड में नॉर्थ वेस्ट का भाग आपने ओपन रखना है और इसी के साथ में आपने नॉर्थ ईस्ट का भाग भी ओपन रखना है पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी साउथ वेस्ट में बन जाती है तो ये एज पर वास्तु बहुत अच्छा माना जाता है तो ऐसे में आपने अपने घर का अपने प्लॉट का कौन सा हिस्सा ऊंचा रखना है और कौन सा हिस्सा नीचा रखना है बनी बिल्डिंग का साउथ वेस्ट का हिस्सा पूरा ऊंचा रहेगा और ऐसे ही जो आपका अपना ओपन एरिया यानी फ्रंट का एरिया उसमें साउथ कॉर्नर यानी साउथ जोन ऊंची रहेगी और ऐसे ही आपके बैक साइड में वेस्ट जोन ऊंची रहेगी यानि फ्लोर लेवल में ऊंचा रखना है किससे किसके बराबर रखना है आपने जो आपकी अपनी बनी बिल्डिंग है बनी बिल्डिंग के फ्लोर लेवल के बराबर साउथ जोन भी ऊंची रखनी है और वेस्ट जोन भी ऊंची रखनी है यानी साउथ जोन बनी बिल्डिंग और वेस्ट जोन ये सारी की सारी एक लेवल की हो जाएगी फ्लोर लेवल इनका इक्वल हो जाएगा ये लेवल ऊंचा करने से इक्वल करने से आपका ओपन का नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये जोन आपकी ऑटोमेटिकली नीची हो जाती है ऐसा होने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी परिवार हमेशा सेफ रहेगा और आपके अपने नए नए काम भी जरूर बनेंगे उसमें आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग कहाँ बन जाती है साउथ वेस्ट जोन में नॉर्थ ईस्ट भी आपका कंप्लीट ओपन हो जाता है और नॉर्थ वेस्ट भी कंप्लीट ओपन हो जाता है और साउथ ईस्ट भी कंप्लीट ओपन हो जाता है इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आपके प्लॉट का साइज कम है छोटा है तो आपने अपनी बिल्डिंग लेफ्ट टू राइट बनानी है और ओपन एरिया फ्रंट टू बैक यानी फ्रंट में भी ओपन एरिया रखना है और बैक साइड में भी ओपन एरिया रखना है तो इसमें आप लोग तो इसमें आपने क्या क्या सावधानी बरतनी है बिल्डिंग बनाते हुए आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग में साउथ जोन यानी फ्रंट का साउथ का एरिया लगभग 30 परसेंट का एरिया बने बिल्डिंग के फर्श के बराबर होना चाहिए और वहाँ से फर्श लेवल ऊंचा करके उसका जो स्लोप है वो सारा का सारा स्लोप ईस्ट कॉर्नर में लाना चाहिए ऐसे ही बैक साइड में वेस्ट जोन का 30 परसेंट का हिस्सा आपने ऊंचा करना है और वहाँ से फर्श का स्लोप आपने नॉर्थ कॉर्नर की ओर लेकर आना है ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी एज पर वास्तु होना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है कि आदमी है ना ये छोटे छोटे उपाय तो कर लेता है लेकिन अंदर के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देता आपको अंदर के स्ट्रक्चर पर भी जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ किस दिशा में आ रही है वो आपको नुकसान तो नहीं दे रही आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी हमेशा आपके घर के अंदर प्रोग्रेस होती रहेगी आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा और इस पुस्तक को उन्होंने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक हुए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप वास्तुशास्त्र का कोर्स कर रहे हैं या आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी इस पुस्तक को पढ़कर आप अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ क्या कमी है और कैसे उसे सही कर सकते हैं ताकि आपके घर के अंदर भी खुशहाली आ सके मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 300 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है और हर एक वीडियो में मैंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव बताया है मेरे को वास्तु विजिट करते हुए तेईस साल हो चुके हैं और मैंने अपनी हर एक वीडियो में वास्तु शास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव बारीकी से बताने की पूरी पूरी कोशिश की है आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप इधर उधर भाग कर थक चुके हैं फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप एक कोशिश जरूर करके देखें आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियो में जो उपाय आपके प्रति बताए गए हैं वो उपाय आप अपने यहाँ पर करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार